अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और अगर कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ को प्लानर नॉन तक हमने देखा कि हमारे पास जो को ब्लैनर और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम थी जो सिस्टम के सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे थे उसके लिए मेरे पास इक्विलीब्रियम की दो कंडीशन थी दैट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू तो ज़ीरो और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो लेकिन जब बात होती है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की तो उसमें मोमेंट भी कंसिडर होती है तो एक सिस्टम ले रहा हूँ जो कि है को नॉन कॉन फोर्स सिस्टम तो उसके लिए मैं एक ये बीम ले रहा हूँ और उसमें अलग अलग टाइप के पॉइंट लोड्स कंसिडर कर रहा हूँ तो ये सिस्टम में हम क्या करते थे कि इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम सिग्मा एफेक्ट्स करते थे सिग्मा एफ वाई करते थे उससे क्या होता था ये मुझे रिजल्टेंट मिलता था ओके और सिग्मा एम अबाउट पर्टिकुलर पॉइंट लेते थे उससे क्या मिलता था मुझे आर का लोकेशन ठीक है उसका लोकेशन कि वो कहाँ पे एक्जैक्टली exactly एक्ट हो रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए ये सब करने के बाद मेरा जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे कहीं एक्ट हो रहा है अब ये सिस्टम को मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको आर को नलीफाई करना पड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर में मैं कुछ सपोर्ट्स प्रोवाइड करूँगा वो सपोर्ट क्या करेंगे कि सपोर्ट रिएक्शंस देंगे जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा कि क्या होते हैं सपोर्ट और उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं तो यहां पे अगर मैं ये रिएक्शंस प्रोवाइड करूँ और वो रिएक्शंस मिलके कुछ ऐसी फोर्स बनाए कि जो कि ये आर जितने मैग्नीट्यूड की हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो दैट इज ई तो अब ये मेरा सिस्टम क्या बनेगा इक्विलिब्रियम में क्योंकि आर और ई e एक दूसरे को नरीफाई कर देंगे और ई e ही हम क्या बोलते थे इक्विलिब्रेंट फोर्स तो अब ये सिस्टम हुई इन इक्विलिब्रियम तो अब यहाँ पे ये केस में मेरे पास अब तीन कंडीशन टोटल बनेगी कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और ये नॉन कॉन्कर फोर्स सिस्टम में मोमेंट भी कंसीडर होती है तो इक्विलिब्रियम में मेरी मोमेंट भी जीरो होने चाहिए मेन सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी ये मेरी सिस्टम क्या होगी इन इक्विलिब्रियम यहां पे हम जनरली को प्लेनर फोर्सेस की बात कर रहे हैं मींस ऐसे फोर्स जो कि एक ही प्लेन में है और हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर रहे हैं लेकिन मान लीजिए के मैंने थ्री डायमेंशंस लिए हैं दैट इज एक्स वाई और जेड तो उसमें कोई भी अगर थ्री स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए अगर वो इक्विलीब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस बनेगी वो टोटल छ कंडीशंस बनेगी और वो कौन सी होगी दैट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो सिगमा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो मीन्स जो एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के अबाउट जो भी मोमेंट है उसका समेशन जीरो सिग्मा m y इज इक्वल टू ज़ीरो और सिक्स वन सिगमा एम जेड इज इक्वल टू ज़ीरो तो अगर ये छह कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी ये सिस्टम क्या कहलाएगी इन इक्विलीब्रियम फिलहाल ये थ्री डायमेंशंस मीन थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो इक्विलीब्रियम है वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम आगे कोप्लेनर और नॉन कर्न फोर्सेस ही कवर करेंगे